कामाख्ये वर्धे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्न कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभ के सुर सेविते करोमी दर्शन देवियम सर कामार सिद्धये। ओम महेशा नी महामाए चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधी के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल कर्कोटक नामक काल सर्प दोष जिस भी मनुष्य की जन्म पत्रिका में कर्कोटक नामक कालसर्प दोष रहता है, पहले तो ये पता करें कि कालसर्प दोष है या नहीं और है तो कौन सा है। तो अष्टम स्थान से लेकर यानी लग्न से आठवें खाने से लेकर के धन स्थान तक यानी कि द्वितीय स्थान तक यदि सभी ग्रह एक तरफ हो तो इस योग को कर्कोटक कालसर्प योग कहा जाता है। यानी कि सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में होते हैं और राहु जो है अष्टम भाव में होता है और केतु सब द्वितीय भाव में होता है और इनके अंडर में सभी ग्रह हो जाते हैं तो यह कर्कोटक नामक कालसर्प दोष लग जाता है। ऐसा जिसके भी जीवन में होता है कर्कोटक नामक कालसर्प दोष लग जाता है तो उसके जीवन में आयु उसकी कम रहती है, आयु पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, बीमारियां बहुत ज्यादा रहती है ऐसे मनुष्य को, कभी भी मर सकता है, किडनी की बीमारी कैंसर की बीमारी लाइलाज बीमारियां लग जाती है, लंबी बीमारियां जिसको बोलना चाहिए, परेशानी और बाधाओं का कारक माना गया है। यानी भयंकर परेशानी आती है और बाधाएं उत्पन्न होती है, भाग्य उदय में भी बाधाएं उत्पन्न होती है, नौकरी व्यवसाय में उन्नति नहीं होती है, असफलता मिलती है, पैतृक संपत्ति से भी उसे बेदखल कर दिया जाता है, जो उसके यार दोस्त रहते हैं छल के कारण उनके घात के कारण उसे हानि उठाना पड़ती है, पैसे जिसको उधार देगा वापिस प्राप्त नहीं होते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अकस्मात शस्त्राघात या जहर देकर के उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब यहां पे फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसका भी कर्कोटक नामक कालसर्प दोष हो ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह जीवन का आधार है, विवाह से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है, विवाह से वंश वृद्धि होती है। विवाह इसलिए किया जाता है कि घर पे आने के बाद मनुष्य यदि कहीं से टेंशन में हो तो वह टेंशन दूर हो जाता है अपने पत्नी बच्चों को देख करके। तो यहां पर तो आपको यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी मर जाएगी और स्त्री है तो उसका पति मर जाएगा। तो कर्कोटक नामक कालसर्प योग जिस भी स्त्री पुरुष का हो उससे भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसको भी कष्ट की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है और उसके साथ धोखा होता है, जीवन का धोखा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जहर देकर मार दिया जाता है, शस्त्र से मार दिया जाता है और कुटुंब में अपयश प्राप्त होता है, उसकी वाणी दूषित रहती है, कड़वा बोलता है, धन हानि होती है, जिसको पैसा देता पैसा डूब जाता है। अब आप कहोगे क्या विवाह नहीं करें क्या, तो विवाह करो और अपने सामने अपने ही यदि आप पुरुष वाले परिवार वाले हो तो अपने सामने अपनी पत्नी को मरते हुए देख लेना और यदि स्त्री है तो अपने पति को मरते हुए देखेगी। इसलिए कर्कोटक वाले कालसर्प मनुष्य से तो विवाह बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि विधवा योग विधुर योग होगा ही होगा और मृत्यु जो है अकाल मौत होती है।
जवानी में मौत हो जाएगी तो फिर परिवार क्या करेगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे परिवार पलेगा, इस बात का विशेष तौर से विचार करें। इसलिए कर्कोटक वाले कालसर्प योग से आपको विवाह नहीं करना है। मेरा धर्म है कि मैं आपको सजग करूं कि आपके परिवार में ऐसी अचानक मौत न हो। यदि आपकी लड़की है कर्कोटक वाली तो विधवा अवश्य होगी, तो उसका विवाह ही मत करो, और करोगे तो जीवन में कष्ट तो भोगना पड़ेगा। इसका उपाय यही है कि शिव जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, रुद्राक्ष की माला हमेशा पहन करके रखना है, कालसर्प योग की शांति समय समय पर साल में एक दो बार कराते रहना है, नाग पंचमी के दिन विशेष तौर से पूजन अर्चन करना है, सर्प सूक्त का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। कंठस्थ कर लीजिए सर्प सूक्त को तो, और महामृत्युंजय के मंत्र जप करते ही रहना चाहिए, और राहु केतु की शांति प्रत्येक शनिवार के दिन अवश्य कराएं। और पंचमी तिथि ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शुक्ल पक्ष की पंचमी और कृष्ण पक्ष की पंचमी, उसके दिन कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे अहित होने की संभावना हो, और अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखें ताकि आपके साथ कोई धोखा न हो, किसी को पैसा उधार न दें, ये गांठ बांध लें। तो कर्कोटक नामक काल सर्प योग वाले मनुष्य से भी विवाह नहीं करना चाहिए। मेरा धर्म था कि आपको मैं इस कष्ट से बचा सकूं, और बचाने के लिए ही आपको मैं यह बात बता रहा हूं। अब आपकी इच्छा कि आप उस कष्ट से बच पाते हो या नहीं बच पाते हो। जो मनुष्य वर्तमान में कष्ट में जी रहा है, आप उनको यह मेरी आवाज पहुंचा सकते हो कि कहीं उनकी जिंदगी में ऐसा कष्ट तो नहीं है। आप चाहते हो इस और ज्ञान लेने के लिए, तो हमारे द्वारा जीवन में संघर्ष क्यों यह किताब लिखी गई है। यह किताब आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से मंगवा सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप पर संदेश देकर के यह किताब प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपना धर्म निभा दिया है आपको ज्ञान देकर के कि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति न हो। अब आपकी इच्छा है इस ज्ञान का जीवन में प्रयोग करें या न करें। यदि आपके पुण्य कर्म होंगे पिछले जन्म के, तो आप निश्चित तौर से अपने जीवन में जो उपाय बताए वो उपाय करेंगे, और विवाह नहीं करना है। जय माता दी, जय मां का मक्खिया।